वाओ यार, आज क्या ब्यूटीफुल सा मौसम है। और चॉप के बच्चे तू कहाँ घूम रहा है सुबह सुबह? बाहर सबको लिए सुबह नहीं हो रही, बाहर सबको लिए दोपहर हो रही है। हाँ चॉप के बच्चे, मेरी तो भाई दोपहर में ही सुबह होती है ना, क्योंकि भाई मैं लेट जागता हूँ। बढ़िया यार का ठंडा ठंडा पानी आज का, मजा ही आ गया नहा के। अब ना गाइस मैं जल्दी से जाके रेडी होता हूँ, क्योंकि गाइस आज ना मेरे लिए और सिंचन के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है। मैं बताऊंगा गाइस आपको, फटाफट से रेडी हो जाता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं रेडी तो हो चुका हूँ। और गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे आज यार कौन सा स्पेशल डे है, तो गाइस आज ना यार सिंचन और मीडिया ने एक बढ़िया वाली कार आने वाली है। अरे वाह फ्रेंगल भाई, यार तुम तो रेडी होगी, चले फ्रेंगल भाई मेरी रिमोट कंट्रोल कार लेने के लिए। हाँ सिंचन चलेंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, चल सिंचन चलते हैं। और क्या फ्रेंगल भाई शुभकामना, यार देरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी सही कह रहा है। तो सिंचन आज ना गाइस मेरी एक बढ़िया वाली कार आने वाली है, जो कि गाइस मर्सिडीज है, और सिंचन की गाइस रिमोट कंट्रोल कार है, जो कि गाइस आपको पता चल ही जाएगा। गाइस ये सस्पेंस रखते हैं, चलो फटाफट से पैसों का बैग लेता हूँ। ले तो सिंचन भाई, मैंने पैसों का बैग भी ले लिया है। और सिंचन तुझे पता है ये भाई बैग ना पूरा पैसों से भरा हुआ है, और क्या फ्रेंगल भाई, क्योंकि तुमने यार बहुत ही महंगी गाड़ी ले रहे हो। और सिंचन जो तेरी रिमोट कंट्रोल लेने वाले ना, वो भी सिंचन बहुत ही महंगी है भाई। गाइस आप लोग फटाफट से सोचो आखिरकार हम सिंचन के लिए कौन सी रिमोट कंट्रोल कार लेने वाले हैं आज, फटाफट फटाफट सोच लो। और वैसे भी गाइस आपको यार पता लग ही जाएगा जब कौन सी कार लेने वाले हैं सिंचन के लिए। और ये देखो गाइस मेरी काफी पुराने मॉडल की रेंज रोवर यहाँ पे खड़ी हुई है, देखना गाइस कितनी बेकार लुक है यार इसकी। आज फाइनली गाइस इस गाड़ी से भी यार मेरे को छुटकारा मिल जाएगा, और उसके बाद तो गाइस मैं मर्सिडीज चलाऊंगा यार पूरे लॉस सैंटोस के अंदर। और फ्रेंगल भाई यार वो मर्सिडीज यार कंफर्टेबल है ना, और क्या सिंचन भाई उसकी छत भी ओपन हो जाती है, उसमें कोई सनरूफ थोड़ना है, अरे फिर तो और ही मजा आएगा फ्रेंगल भैया। और वो टू सीटर है या फोर सीटर है? वो सिंचन भाई टू सीटर है, और वैसे भी सिंचन हमको बैठना ही गया, हम दो बंदे ही तो है, हम दो ही तो बैठेंगे उसमें। और क्या यार ये भी बात सही कर रहे हो, लेकिन फ्रेंगल भैया जब तुम मेरे को यार स्कूल छोड़ने जाओगे इस गाड़ी से, तो मेरे दोस्त भी होंगे, उनको कहाँ बिठाओगे? एक काम करेंगे सिंचन, अपनी गाड़ी के अंदर ना बेबी सीट भी बनवा लेंगे, तेरे दोस्तों को ना भाई उसमें बिठाएंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया, फिर तो फ्रेंगल भैया अब तो यार मर्सिडीज से मेरे को स्कूल छोड़ने जाओगे। हाँ सिंचन पहले चल के यार अपनी कार की डिलीवरी तो ले लें। और गाइस जब तक हम अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, आप लोग गाइस फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस जल्दी से यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जिसने भी नहीं करा। अरे हाँ गाइस यार वीडियो को लाइक करके यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, आप सारे यार मेरे प्यारे वाले दोस्त। और फ्रेंगल भाई यार जल्दी चलाओ, क्योंकि यार इस गाड़ी का ना एसी भी खराब हो रखा है, मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइस अभी मैं सिम्योन की दुकान पे तो पहुंच चुका हूं, और गाइस सिम्योन की दुकान से ना सिर्फ और सिर्फ मेरी कार की डिलीवरी होगी, जो कि मर्सिडीज है। और गाइस सिंचन की जो रिमोट कंट्रोल कार की हम डिलीवरी लेने वाले ना, वो गाइस कोई दूसरे एरिया से लेंगे, हाँ फ्रेंगल भाई दूसरी लोकेशन से लेंगे मेरी डिलीवरी। और सिम्योन भाई क्या हालचाल है, मेरी कार एकदम रेडी है ना जो मैंने बताई थी? अरे फ्रेंगल भाई पूरे के पूरे दो महीने वेट करा है तूने अपनी कार के लिए, तेरी कार एकदम रेडी है और शोरूम में भी आ चुकी है। एक बार तू जाके अपनी गाड़ी चेक कर ले, कहीं से खिरोच विरोच तो नहीं है, उसके बाद तू फटाफट से पेमेंट कर दे भाई, मैं तो बड़ा ही खुश हूँ, पेमेंट आएगी आज तो महंगी कार की। अरे हाँ सिम्योन भैया आपको पता है आज ना मैं भी अपने लिए कार लेने वाला हूँ। अरे कार किसकी दुकान से ले रहा है, मेरी दुकान से लेना? अरे यार मैं रिमोट कंट्रोल कार लूंगा, तुम्हारी दुकान पे तो रिमोट कंट्रोल कार है ही नहीं। बढ़िया सिंचन अपनी कार देख भाई कितनी ओपी लग रही है, मेरे को तो सिंचन अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, फाइनली सिंचन ये वाली कार अपनी होने वाली है। अरे वाह फ्रेंगल भाई कितनी ब्यूटीफुल कार लग रही है, बढ़िया सिंचन आज तो सिंचन मजा ही आ जाएगा। इस कार से पुरानी कार से छुटकारा मिलेगा, और सिंचन नई कार अपने पास होने वाली है। गाइस सच बता रहा हूँ, जितने भी लॉस सैंटोस में लोग रहते ना, सारे के सारे गाइस मेरी गाड़ी को एकदम मजे से देखेंगे। फ्रेंकल भाई पेमेंट तो कर दे, गाड़ी कैसी लगी तुझे? गाड़ी तो भाई एकदम मस्त है मेरी तरह, ठीक है भाई मैं तेरे को फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ। हाँ फ्रेंकल नोट गिनूंगा भाई, बहुत सारे नोट देगा इससे तो यार पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। तो गाइस अभी ना हमारी पेमेंट एकदम डन हो चुकी है, और यार सिम्योन तो काफी खुश लग रहा है मेरे को। अरे हाँ फ्रेंकल बहुत खुश हूँ यार, पूरे के पूरे 80 लाख रुपए दिए तूने मुझे, 80 लाख। हाँ भाई काफी महंगी गाड़ी है मुझे भी पता है, चलो गाइस अभी से टेस्ट ड्राइव करने की बारी है। अरे फ्रेंकल भाई टेस्ट ड्राइव क्यों यार, अब तो इसे दिन रात चलाएंगे दिन रात। हाँ सिंचन तो फटाफट से बैठ तो सही, चल सिंचन इसकी छत ओपन कर दे क्या? और क्या यार कंफर्टेबल कार में बैठने में मजा आएगा, ऐसे बैठने में थोड़ी ना मजा आएगा, छत ओपन कर दे फटाफट से, उसके बाद चलते हैं मेरी रिमोट कंट्रोल कार की डिलीवरी लेने के लिए। चल सिंचन अब पहले इस गाड़ी को ना भाई कंफर्टेबल कर ही लेते हैं, एक दो और ये ले सिंचन, मैंने प्रेस तो कर दिया बटन, लेकिन भाई आगे से जो सिंचन इस कार की लुक आ रही है ना, वो तो सिंचन गजब ही लुक है। अरे वाह फ्रेंगल भाई देखो यार छत ओपन हो गई, बढ़िया सिंचन ये होती है ना बातचीत, अब लग रही है सिंचन अपनी कार तो कार। वैसे सिंचन तुझे एक बात पता है, ये सिंचन मर्सिडीज ना लॉस सैंटोस के अंदर भाई पहली एक इकलौती कार है जो कि सिंचन अपने पास आ चुकी है। अरे वाह इकलौती कार फ्रेंगल भाई हमारे पास? हाँ सिंचन पूरे लॉस सैंटोस के अंदर भाई किसी के पास भी मर्सिडीज नहीं है, सबसे पहली सिंचन अपने पास आई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंचन हम अमीर हो चुके हैं ना। अरे पर ये जो आगे गाड़ी जा रही है ये कौन सी गाड़ी है? ये आई थिंक सिंचन भाई ऑडी कार है, बढ़िया यार ये भी बढ़िया लग रही थी। अरे पर हमारी कार से बढ़िया नहीं लग रही थी, हमारी कार यार सबसे ओपी है। गाइस अगर आपको भी हमारी कार अच्छी लग रही है तो फटाफट से यार कमेंट में यस लिखो, और जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार, और गाइस अपने दोस्तों को भी यार वीडियो शेयर करके यार इस वीडियो पे यार लाइकों की बरसात करा दो यार। तो सिंचन भाई तेरी रिमोट कंट्रोल कार के शोरूम के पास तो बस हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सिंचन अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिरकार वो कौन सा शोरूम था। अरे मुझे याद आ गया
फ्रेंगल पे जो रेड कलर का है ना, यही फ्रेंगल पे वो शोरूम है, बढ़िया सेंचन है। तेरी भी सेंचन काफी महंगी शोरूम से हम कार लेने वाले हैं। और फ्रेंगल पे यार मेरी जो कार होगी ना वो सबसे ओपी होगी, तुम्हारी कार से भी सबसे ओपी होगी। अरे सेंचन यार मेरी कार से ओपी कैसे होगी, मेरी कार तो सेंचन सबसे महंगी है ना। आई थिंक सेंचन हमको ना थर्ड फ्लोर पे जाना है, जो तेरी कार की डिलीवरी होगी ना वो भाई हमको थर्ड फ्लोर पे मिलेगी। अभी कौन से फ्लोर पे है ये देख सेंचन, सामने टू लिखा है ना, इसका मतलब सेंचन अभी हम दूसरे फ्लोर पे है। और ये ले सेंचन फाइनली भाई हम तीसरे फ्लोर पे भी बस पहुंचने वाले हैं। और ये ले पहुंच भी गए। अरे पर यहाँ पर तो कोई शोरूम मेरे को दिख नहीं रहा, शोरूम तो नहीं दिख रहा लेकिन सिंचन कार भी मेरे को, ये तो रही सिंचन भाई सामने देखो। अरे वाह ये रहा फ्रेंगल पे शोरूम मिल गया, छोटा सा शोरूम है ये तो, बढ़िया सिंचन। अब फटाफट से भाई तेरी कार की डिलीवरी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सिंचन अपने घर। उसके बाद सिंचन तू अपनी कार चलियो और मैं अपनी कार चलाऊंगा। अरे हाँ फ्रेंगल पे मैं तो यार पूरे दिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार चलाने वाला हूँ, बढ़िया। हेलो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे बहुत बढ़िया सर, हाल चाल आप बताओ क्या हाल चाल है? आज लगता है आप कोई गाड़ी खरीदने वाले हो हमारे शोरूम से। हाँ सर आज मैं गाड़ी खरीदने के लिए आया हूँ। अच्छा ये जो पीछे नाटा सा बच्चा है इसके लिए खरीदोगे? अरे अंकल ज्यादा मत बोले वरना यार चांटी चांटी बजा दूंगा गल पे। फ्रेंगल पे देखा क्या बोला? अरे हाँ भाई थोड़ा इज्जत से बात करो सिंचन भाई अपना। अरे सॉरी सर बुरा लग गया होता सर, कान पकड़ के छोड़ी मांगते है। अरे तो पैर भी टच कर लो ना यार मेरी। बढ़िया यार यहाँ पे तो सच में गाय सबसे ओपी ओपी कार है। देख लो सर आपको जौन सी कार अच्छी लगे वो खरीदो, मेरे में कोई एडवाइस नहीं देने वाला। हाँ तो मैंने आपसे एडवाइस मांगी भी नहीं है यार, मेरे को तो गाय सबसे बढ़िया कार वो लग रही है, वो जो उधर बीच में रेड कलर और ब्लू कलर की है ना। और फ्रेंगल पे उस साइड कौन सी कार है? ये शायद सिंचन टॉय वाली कार है, ये तो काफी बढ़िया है भाई, इनसे तो शायद ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। तो ये तो सिंचन तू लेने वाला नहीं है, और क्या ये थोड़ा चलाऊंगा मैं, तो फ्रेंगल पे रिमोट कंट्रोल कार ही चलाऊंगा। तो सिंचन तू बता तो सही तेरे को आखिरकार कौन सी बढ़िया कार लगी है? अरे फ्रेंगल पे मेरे को भी वही रिमोट कंट्रोल कार अच्छी लगी है जो तुमको लगी है, वो जो फ्रेंगल पे बीच में यार रेड और ब्लू कलर की है ना वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। वो सबको ही अच्छी लगती है बेटा, लेकिन उसका प्राइस सुन के कोई इसको खरीद ही नहीं पाता है। वो बहुत महंगी क्या भैया? और क्या बच्चे वो आम इंसान के लिए नहीं बनी, वो अमीर लोगों के लिए बनी है। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है भाई, जितनी भी महंगी ये कार है ना आज तो सिंचन को दिला के ही रहूंगा। अरे वाह फ्रेंगल भाई यार ये होती है ना अच्छी बात, इसका मतलब तुम इसे खरीदने वाले हो। तो एक काम करता हूँ मैं डिलीवरी की तैयारी करता हूँ, बम पटाके लाता हूँ। ये लो सर आपकी डिलीवरी की तैयारी मैंने ओके कर दिया है, मजा आ रहा है ना? अरे बहुत बढ़िया भैया यार आपने तो यार यहाँ पे अनार जला दिया। बच्चों मैं ऐसा ही करता हूँ, जो भी मेरी शॉप से कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए आता है उसका मैं ऐसे ही डिलीवरी वाला स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छे। लेकिन भाई अभी तक तूने मुझसे पैसे क्यों लिए? अरे हाँ सर पेमेंट तो कर दो फटाफट से। और भैया अगर अभी हम मना कर दे कि हमको रिमोट कंट्रोल कार नहीं चाहिए और ये जो तुमने हमारा स्वागत करा इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा, फिर मैं सैड हो जाऊंगा। हाँ भाई तू टेंशन मत ले, पर मेरे को बता तो दे आखिरकार इस कार के कितने पैसे हैं? बच्चों तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए इस कार के। और ये क्या 50,000 रुपए? सिंचन भाई इतने में तो काफी सारे रिमोट कंट्रोल कार आ जाती तेरी। अरे कोई बात नहीं हम तो यही लेंगे। हाँ सिंचन जब भाई मैं 70 लाख रुपए की सिंचन अपनी कार ले सकता हूँ तो तेरी तो सिंचन भाई उससे बहुत ही सस्ती है। ठीक है भाई मैं तेरी पेमेंट करता हूँ, उसके बाद हम भी निकलते हैं यहाँ से। बहुत अच्छे सर लगता है आप तो बहुत ही अमीर हो, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ, फाइनली ये कार आज बिकी गई, बहुत टाइम से मेरे पास थी। चलो भाई अपनी पेमेंट भी एकदम डन हो चुकी है। और गाइस मैंने ये रिमोट कंट्रोल यार अपनी कार के ऊपर तो रख लिया है, सिंचन ये सेफ तो है ना? अरे तुम टेंशन मत लो मैंने इसको पकड़ के बैठ जाऊंगा। नहीं सिंचन तू गाड़ी के अंदर ही बैठ, मैं तेरी रिमोट कंट्रोल कार का ध्यान रखूंगा। सिंचन तेरी कार तो बहुत ही महंगी है, अब देखना फ्रेंगल पे मैंने लिटिल सिगम को जाके बताऊंगा और उसको चिढ़ाऊंगा। जब फ्रेंगल पे उसके पास रिमोट कंट्रोल कार थी ना और मेरे पास नहीं थी, जब फ्रेंगल पे मेरे को बहुत चिढ़ाता था, अब देखो अब उसको चिढ़ाऊंगा। ठीक है सिंचन चिढ़ा लियो भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा है? और सिंचन भाई मैं तो ऑफिस लेके जाऊंगा सबसे पहले अपनी कार, सिंचन ऑफिस में सभी को दिखा दूंगा। और फ्रेंगल पे जैसे तुम इस कार को लेके ऑफिस जाओगे ना देखना सभी लोग पार्टी मांगने वाले हैं। हाँ तो सिंचन तेरे दोस्त भी तो तेरे से पार्टी मांगे। अरे हाँ ये बात भी है, तो चलो फ्रेंगल पे पैसे निकालो फटाफट फटाफट, क्योंकि मेरे दोस्त पार्टी मांगे तो यार उनको क्या दूंगा। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन सिंचन तू उनको बोलियो परसों पार्टी दे दूंगा, जैसे सिंचन परसों मेरी सैलरी मिलेगी ना उसके बाद सिंचन भाई पार्टी दे दियो तो अपने दोस्त को। अरे वह बहुत बढ़िया यार। हाँ सिंचन भाई सारे पैसे लगभग सिंचन खत्म ही हो गए भाई, हम दोनों ने अपनी कार जो ले ली। तो गाइज अभी पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं और फाइनली गाइज अभी सेंचुरी में यार अपनी गली के अंदर तो पहुंच चुके हैं। अब सिंचन भाई ये बता सबसे पहले तेरी कार कौन चलाएगा? अरे फ्रेंगल भाई यार इस कार में बैठ के तो बहुत ही मजा आ गई जो तुम्हारी कार है। अब फ्रेंगल भाई सबसे पहले ना मेरी कार यार तुम ही चलाओ, तुम मेरे को एक बार चला के दिखाओ, उसके बाद मैं चलाऊंगा। ठीक है सिंचन। अब सिंचन रिमोट निकालते हैं, उसके बाद भाई तेरी रिमोट कंट्रोल कार ड्राइव करके देखते हैं। वाओ यार सिंचन इस कार का कैमरा दिख रहा है कितना ओपी लग रहा है। अरे हाँ फ्रेंगल भाई एकदम HD दिख रहा है, HD चलाओ ना फ्रेंगल भाई चलाओ इस कार को। हाँ सिंचन 1 2 3 ये ले सिंचन स्टार्ट कर दी भाई अपनी कार को। और एक बात बताओ फ्रेंगल भाई आखिरकार इस कार की यार रेंज कितनी है, रिमोट से आखिरकार ये कितनी दूर जा सकती है? बता नहीं सिंचन मैं भी तो यार पहली बार ही चला रहा हूँ इस कार को। वैसे सिंचन ये देखियो हम तो अपनी गली के बाहर बस पहुंचने वाले हैं, बढ़िया फ्रेंगल भाई इस कार की तो बहुत अच्छी रेंज है। अब तू बता सिंचन आखिरकार हमको कहाँ चला जाए? अरे कहीं भी चलो फ्रेंगल भाई। वैसे एक बात देखो फ्रेंगल भाई हमारी यार छोटी सी कार बड़ी कार से कितनी छोटी है। हाँ सिंचन रिमोट कंट्रोल कार है भाई, छोटी तो होगी ना। अब एक काम करते हैं सिंचन इसे ना सबसे पहले ऑफ रोडिंग एरिया पे लेकर चलते हैं और सिंचन ऑफ रोडिंग कराते हैं। अरे नहीं फ्रेंगल
फ्रिंगल बे ऑफ रोडिंग नहीं करेंगे यार। अगर इसको वहाँ पे लेके गए ना तो फ्रिंगल बे इसका एक्सीडेंट होगा और ये टूट जाएगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता यार मेरी कार पे बिल्कुल भी स्क्रैच आए। ये देख सिंचन, बड़ी कार से एक बार रेस लगाते हैं और ये ले बस जीतने वाली है। अरे जीत जा भाई जीत जा। अरे सिंचन ये बीच बीच में यार ब्रेक कैसे लग रहे हैं? अरे फ्रिंगल बे इसकी रेंज खत्म हो गई होगी इसलिए यार रुक रही है बीच बीच में। हाँ सिंचन, वरना तो भाई इस बड़ी कार को हम पीछे छोड़ ही देते। और ये ले सिंचन, फाइनली भाई बड़ी कार को हमने पीछे छोड़ दिया और हम जीत भी गए। अरे वाह, ये है ना फ्रिंगल बे रिमोट कंट्रोल कार असली। और सिंचन भाई, अगर कोई इसे देख रहा होगा ना वो सोच रहा होगा आखिरकार इस कार को कौन चला रहा है। अरे हाँ, इसको क्या पता यार, हम अपने घर से इसे कंट्रोल कर रहे हैं और इसका कैमरा तो सच में फ्रिंगल बे एकदम ओपी वाला है, एकदम बढ़िया व्यू दिख रहा है। सही कह रहा है सिंचन। अब एक काम कर सिंचन, इस कार को भाई टू ड्राइव करके देख। हाँ फ्रिंगल बे, मैं तो जरूर चलाऊंगा यार, तुमने बहुत चला ली, अब मेरी बारी है चलाने की। बढ़िया यार, मजे आ गए सिंचन तेरे रिमोट कंट्रोल कार चला के तो। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकिल सिंचन आपके भाई तो यार। फटाफट गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ गाइस यार, वीडियो को लाइक करके यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गाइस बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।